डर्कहाइम का हम सेकेंड टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, DOL, यहां पर मैं इसको चलो शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया है. तो DOL को थोड़ा ढंग से समझना, बेसिक टॉपिक है. देखो डर्कहाइम के सारे टॉपिक्स बहुत ही आसान है और डिवीजन ऑफ लेबर आपको पता है, जैसे लेबर को डिवाइड कर दिया कि नहीं, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, लेबर को डिवाइड कर दें अगर कि एक बड़ी एक्टिविटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें एंड ये काम कोई और कर रहा है, ये काम कोई और कर रहा है, तो उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है. तो डर्कहाइम कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये सोशल कॉन्सेप्ट है. डर्कहाइम का यही आइडिया, मैं आपको पहले बताया डर्कहाइम की बेसिक सी आइडियोलॉजी एक फीचर है, दैट इज कि हर एक चीज को सोशियोलॉजी में ले आना, सोशियोलॉजी के दायरे में ले आना. तो सोशल बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर भी सोशल है. आप जैसे इमेजिन करके देखो, आप अगर इंडिया का, अगर मैं आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताऊं, कास्ट सिस्टम भी तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में था, जो वर्णा सिस्टम, वो भी डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस्ड था कि लेट्स से ब्राह्मिन्स को कुछ काम दिया हुआ था, देन क्षत्रियास को, देन वैश्यस को, एंड देन उसके बाद शूद्रस को. ठीक है, सभी के काम डिवाइडेड थे, डिवीजन ऑफ लेबर की हुई थी. आप अपने घर में इमेजिन करो, अपने घर में फैमिली में लेट्स से फादर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेट्स से टू अर्न मनी, मदर की स्टैंडर्ड, जैसे अगर हम स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन ले रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को पालना लेट्स से, या फिर घर का खाना वगैरह बनाना, स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन. तो ऐसे ही कुछ कुछ काम डिवाइडेड एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इसलिए डर्कहाइम बोलते हैं कि सोशल कॉन्सेप्ट है, समाज ने में ये हर जगह नजर आता है. एंड इकोनॉमी नहीं तो इकोनॉमिस्ट जो थे या फिर जो फैक्ट्री वाले जो थे, उन्होंने तो सिर्फ अपना लिया इसको, समाज में देखा होते हुए बस इसको अपना लिया. तो इसलिए बोलते हैं कि, इसलिए अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि वो क्या बोलेगा डर्कहाइम सेज, एक पहले हटा देते हैं इसको, डर्कहाइम क्या बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फैक्ट, कि ये एक सोशल फैक्ट है, ये तो है ही है, हर जगह ही समाज में अवेलेबल है, दिखता है हमें. ठीक है, कोई ये इकोनॉमिक फैक्ट नहीं है, सोशल फैक्ट है. ठीक है, बात ये ओके. अब DOL की यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं, डर्कहाइम एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक कुछ एक सवाल आपके सामने प्रेजेंट करता है और उस सवाल से ही आगे कहानी बढ़ाएंगे. वो कह रहे हैं कि जैसे जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारी आजकल की सोसाइटी है, जब वो लिख रहे हैं 1900 समथिंग में, वो कह रहे हैं वो हेट्रोजेनस है. हेट्रोजेनस मतलब सभी लोग अलग अलग हैं, होमोजेनस मतलब सब सेम है, हेट्रोजेनस मतलब सब बहुत अलग अलग हैं. वो कह रहे हैं कि सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंशिएशन मिलती है कि कोई लेट्स से अगर आप देखो, सिंपली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, लेट्स से एक छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा तोड़ दिया जाए. जैसे लेट्स से डॉक्टर, पहले क्या होता है, कोई वैद्य जी होते हैं, वैद्य जी सभी काम करते हैं, पैर टूट गया, पेट में दर्द, सर में दर्द, वैद्य जी सब कर रहे हैं. अभी अभी अलग होता है, अच्छा ये न्यूरो स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये लेट्स से ऑर्थोपेडिक है, और ये बच्चों का डॉक्टर, ये गायनी है ना, ऐसे डॉक्टर भी कितनी वैरायटी आ गई है. उसमें भी लेट्स से अगर आप अगर बात करो आगे, अच्छा ये सिंपल अगर ये हार्ट का डॉक्टर है तो उसमें भी कि ये सर्जरी करता है, ठीक है, ये जनरल, दूसरा वाला कुछ और कुछ और. तो डिफरेंशिएशन बढ़ती ही जा रही है. अगर आप सिंपल इमेजिन करके देखो, डिफरेंशिएशन इज फाउंड एवरीवेयर. हेट्रोजेनिटी इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, एंड डिफरेंशिएशन बढ़ती जा रही है. तो डर्कहाइम यहाँ पे आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर, फिर सोसाइटी आपस में जुड़ी कैसे हुई है. तो इसी सवाल का आंसर करते हुए वो कॉन्सेप्ट निकाल देंगे, किसका, डिवीजन ऑफ लेबर का. ठीक है, कि सोसाइटी कैसे जुड़ी हुई है, कि सभी लोग अगर अलग अलग हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, चीज़ें एकदम टूट चुकी हैं, तो लोग जुड़े कैसे हुए आपस में. तो थोड़ा कहते हैं हर एक चीज़ के लिए, अगेन यहाँ पे अब डर्कहाइम का आपको एक और एक एंगल समझ आएगा कि डर्कहाइम हर चीज़ को इतिहास में जाके चाहता है जानना कि उसका हिस्ट्री में क्या ताल्लुकात है, हिस्ट्री में क्या रिलेशन था, उससे चीज़ आज कैसे पहुँच गई. देखो मैं आपको अगर बताऊँ क्विकली, तो डर्कहाइम का एक सिंपल जो चीज़ क्या है, डर्कहाइम कहते हैं कि ना कि जो आज अगर हम जो चीज़ जो प्रेजेंट में जो हम चीज़ देख रहे हैं उसको देख के हम नहीं बता सकते कि उसका कॉज क्या था. जो प्रेजेंट में जो चीज़ दिख रही है उसको देख के हम कॉज नहीं बता सकते ये चीज़ क्यों आई थी. अगर आपको कॉज जानना है तो यू हैव टू गो बैक इन टू हिस्ट्री, यू हैव टू गो बैक इन टू पास्ट, और पास्ट में जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ होगा. रिलीजन का हम थ्योरी पढ़ेंगे, आप वहां पे जाके फिर देखना, वो कहेंगे कि रिलीजन जो आप आज देखते हो चर्च वगैरह, वहां देख के आप नहीं बता सकते रिलीजन क्यों आया होगा. आपको रिलीजन जानना है, यू विल हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री, यू विल हैव टू गो बैक इनटू पास्ट. ठीक है ओके. DOL में भी वही बात करते हैं कि अगर इतिहास में झांक कर देखें, प्रिमिटिव जो सोसाइटीज थी हमारी, जो पुरानी सोसाइटीज थी, वो वहां पर लोग इकट्ठे क्यों रहते थे, वहां पर दे वर हेल्ड टुगेदर, वहां पर इकट्ठे क्यों रहते थे, क्योंकि वहां पर लाइकनेस थी, सभी एक जैसे ही हैं, नॉर्म्स काफी सिमिलर हैं, वैल्यूज काफी सिमिलर हैं. अभी जो डर्कहाइम जहां पर रह रहा है, जिस फ्रेंच सोसाइटी में, डर्कहाइम इज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यहां पर तो नॉर्म्स सिमिलर नहीं है, वैल्यूज भी सिमिलर नहीं है, इतने तरह प्रांत प्रांत के लोग आके रहते हैं यहां पर, कोई ज्यू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई
कोई मुस्लिम है, खैर वैल्यूज भी सिमिलर नहीं है, तो आज के ज़माने में इसलिए ही पुट्स अ क्वेश्चन हेयर कि लोग इकट्ठे क्यों रहते हैं फिर, कि सोसाइटी टूट क्यों नहीं जाती। तो और इसलिए वो बोलता है कि पहले ज़माने में जाके देखें वहाँ तो नॉर्म्स के कारण, वैल्यूज़ के कारण, कि लोगों में इतनी वैल्यूज़ डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी, सभी में सिमिलर वैल्यूज़ हुआ करती थी, लाइक देवर ऑल अलाइक, तो इसलिए सोसाइटी इकट्ठी रहती है। इसका नाम याद रखना आपने, इस सॉलिडारिटी का, जो इस जो लोग इकट्ठे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, कि ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी उस वक्त, ठीक है। ये वर्क बिल्कुल वर्ड मत भूलना, मैकेनिकल मतलब थोड़ा देखो ऐसे मैकेनिकल से है कि रहना पड़ेगा साथ में, कि कुछ हो नहीं सकता, मैकेनिकल जैसे होता है ना कि गियर से गियर बंधा होता है, ऐसे ही चीज़ें आपस में बंधी हुई हैं, कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। लेकिन अब आगे बोलता कि आगे क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त बढ़ा, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, इनकी आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अब जो सेम काम करने वाले बहुत सारे लोग आ गए, लेट्स से कोई कपड़े सिलने वाला इंसान है या कुछ और कुछ बना रहा है, तो वो सेम काम करने वाले बहुत सारे लोग आ गए, तो अब ये एक काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सर्वाइवल मुश्किल हो गया, कि इस इंसान का सर्वाइवल सबका मुश्किल हो गया सर्वाइवल। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेशलाइजेशन करने शुरू कर दी। डर्खाइम ऐसे समझते हैं, ये डर्खाइम की थ्योरी है, ठीक है। वो कहते हैं कि सब ने स्पेशलाइजेशन करने शुरू कर दी, कि लेट्स से अगर इस तीनों मान लो कपड़ा सिलते थे, ये तीनों टेलर थे, तो स्पेशलाइज कर दिया, वो कह रहा है कि मैं इस तरह के कपड़े सिलता हूँ, ये कह रहा है मैं इस तरह के, एंड ये स्पेसिफिकली अपने आप को स्पेशलाइज कर दिया, एंड स्पेशलाइजेशन से आगे आगे एक्टिविटीज़ और स्प्लिट होती गई। डर्खाइम इस तरह समझते हैं कि DOL समाज में बढ़ती गई एक ही चीज़ को, उसके बाद किसी बंदे ने बोला चलो एक काम करता हूँ मैं आपको ना पीछे, मैं आपको सिंपल प्लेन कपड़ा बना के दूंगा, आप उस प्लेन कपड़े पे कढ़ाई कर देना, ये बोलता है लेट से आप उसको सिल देना, ठीक है। किसी का सूट बना दिया, किसी की पैंट बना दी, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो समझने के लिए। तो वही बोल रहा कि विद टाइम आबादी बढ़ेगी, आबादी के बढ़ने से सेम काम के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एक्टिविटीज स्प्लिट हो जाएंगी, तो कुछ लोग स्पेशलाइजेशन करने आ जाएंगे, ये काम ये कोई और स्पेशलाइजेशन कर रहा है, ये कोई और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, एंड इस तरह से वो बोल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के चलते पीपल विल स्टार्ट बिकमिंग इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, ये वर्ड मत भूलना आप। अगेन सिंपल सिंपल कुछ दो चार वर्ड ही होते हैं जो आपको बोलूंगा याद रखने, इंटरडिपेंडेंट, कि लोग इंटरडिपेंडेंट हो गए, कि जब तक लेट्स से ये इंसान आपके लिए फाइबर नहीं देगा, कपड़ा सिल के नहीं देगा, जो आपको बना के नहीं देगा, तब तक इस पर कैसे कढ़ाई करेगा, कढ़ाई करी उसके बाद इसने इसको दे दिया, एंड अब इसने इसको सिल दिया, लेट्स से उसके कोट पैंट बना दिया, कुछ भी बना दिया, इंटरडिपेंडेंस आ गई। तो इसीलिए बोल रहा है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी, इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्म्स वैल्यूज काफ़ी सिमिलर हैं, एंड जैसे जैसे अब आबादी बढ़ेगी तो DOL बढ़ता जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज आती रहेगी, स्पेशलाइजेशन की बात होती रहेगी, ठीक है, ओके। आगे तो प्रिमिटिव एंड प्रेजेंट, प्रिमिटिव प्रेजेंट ऐसे ही कंपेयर करते हुए चलेंगे हम। प्रिमिटिव में क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, लाइकनेस। मॉडर्न सोसाइटी में क्या बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, ये दूसरा वर्ड आपको बहुत बार शॉर्ट नोट लिखवाने के लिए बोलते हैं, वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी वर्सेज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, आपने बताना ये प्रिमिटिव सोसाइटी में थी, ये मॉडर्न सोसाइटीज में होती है, ये क्या इसके फीचर्स हैं, कि आबादी बढ़ी तो कैसे, पहले लाइकनेस थी, वैल्यूज नॉर्म्स वगैरह की, अब वो ग्रेजुअली आबादी बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है, तो ये वाली अराइव होती है, ये वाली क्या है अब देखते हैं आगे। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मतलब डिफरेंसेस पे बेस्ड है, पहली वाली किस पे बेस्ड थी, लाइकनेस पे, सभी एक जैसे ही हैं तो इकट्ठे रहते हैं, अब क्या हो रहा है, अब इकट्ठे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरडिपेंडेंस बेस्ड है, इंटरडिपेंडेंस। आपने सिंपल से एक चीज़ इमेजिन करो, जैसे लेट्स से आप सब लोग स्टूडेंट हो, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ठीक है मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पढ़ ही रहे होते हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो, फिर खाना कहाँ से आ रहा है, खाना कोई और बना के दे रहा है, अच्छा पैसे कहाँ से कमा के फीस भर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पैसे कहीं और से आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट कौन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, टीचर कोई और है, है ना, चेक टेस्ट कौन चेक कर रहा है, टेस्ट कोई लेट्स से कोई और चेक कर रहा है, कुछ भी, है ना। तो देख रहे हो आप एज अ स्टूडेंट अलोन नहीं हो, आप कितने लोगों पर निर्भर हो, और जो ये तो आपको लोग दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आपको दिखते ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल घर में लाइट जल रही है आपकी, बिजली आप खुद बना रहे हो, नहीं कोई और बना रहा है, रोड्स यूज़ कर रहे हो, हाँ बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, एटसेट्रा लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इसीलिए बोलते हैं कि समाज में लोग अलग 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 काम करते जाएंगे, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, उतना ही वो इंटरडिपेंडेंट भी होते जाएंगे, क्योंकि
वो बोलता है डर्कहाइम कि अगर अलग काम करना है, अगर स्पेशलाइजेशन वाला कोई काम करना है, स्पेशलाइजेशन वाला जो काम करने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल. एक तो पहली बात उसमें स्पेशलाइज स्किल चाहिए एंड उसमें अलग से टाइम चाहिए. दोनों ही अगर आपको चाहिए तो आपको किसी और पर निर्भर होना पड़ेगा अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए. तो बाकी ज़रूरतों के लिए पूरा अगर पढ़नी है आपने तो औरों पर निर्भर होना पड़ेगा. इसीलिए उसी को वो क्या बोलता है इंटरडिपेंडेंस वाली सॉलिडारिटी को ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब कि अपने आप से निकलता है ये, अपने आप से आप किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहोगे, अपने आप ही आप किसी और से जुड़ना चाहोगे. ठीक है. एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम इज कीपिंग द सोसाइटी टुगेदर DOL. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियस बहुत लो होती है. कलेक्टिव कॉन्शियस अच्छा वर्ड होता है सोशो का, इसको याद रखने की ट्राई करना. कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब कि सभी लोग एक तरह नहीं सोचते. कलेक्टिव कॉन्शियस होता है कि एक तरह का सोचना, एक तरह की विचारधारा, कि एक तरह की विचारधारा वो कहते हैं, लेकिन एक तरह की विचारधारा नहीं होती मॉडर्न सोसाइटी में. एंड और इसीलिए इंडिविजुअलिटी बहुत ही इंक्रीज्ड है, बहुत ही बढ़ी हुई है. और इसीलिए जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये डिवीजन ऑफ लेबर ही आपकी फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस मेंटेन रखती है. फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस मतलब कि कोई आपके लिए कोई और फंक्शन कर रहा है, कोई इंसान आपके लिए कोई और फंक्शन कर रहा है, आप उन दोनों पे निर्भर हो जाओगे, दोनों तीनों पाँचों जो भी होगा. ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? ठीक है. और इसीलिए बोल रहा सोसाइटी इकट्ठी रहेगी, बाइंडिंग द सोसाइटी टुगेदर. तो ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव में इंडिविजुअल कॉन्शियंस सोसाइटल कॉन्शियंस एक ही बात है. कॉन्शियंस मतलब क्या होता है? विवेक आपका, जो आपकी जो सोचते हो, जो विचारधारा कि ये अच्छी बात ये बुरी बात, वैल्यू सिस्टम बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ना. एथिक्स के लेक्चर में पढ़ते हैं हम कॉन्शियंस क्या होती है. तो अब वो बोल रहा है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो समाज सोच रहा है वही इंडिविजुअल सोच रहा है. इंडिविजुअल अपने आप के बारे में कुछ नहीं सोचता, सब कुछ ही समाज के लिए हो रहा है. कि और इसे प्रिमिटिव सोसाइटी को आप ट्रेडिशनल सोसाइटी भी बोल सकते हो. तो डर्कहाइम ये बोलता है कि जैसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होंगी वहाँ पर लोग अपनी सोसाइटी के लिए मरने मिटने को तैयार होंगे. कि अगर जैसे लेट से जो आपने अगर लेट से सती सिस्टम सुना होगा, सती सिस्टम कहीं ना कहीं इसलिए प्रैक्टिस होता है क्योंकि समाज कह रहा है कि आपको अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यूज़ नॉर्म्स के हिसाब से अब वाइफ शेल नॉट बी अलाइव, कि अगर हस्बैंड अगर ज़िंदा नहीं है तो. कि कुर्बानी या फिर लेट से और भी कोई कहानियाँ हैं कि ब्रह्मा से वापस लेके आने के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ कहानी है. दैट अपार्ट, सत्य सिस्टम की अगर बात करें तो वो क्या सिस्टम है कि आप समाज आपको कह रहा है, सोसाइटी आपको कॉन्शियस कह रही है कि इंडिविजुअल को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए. तो ऐसा होता है, इंडिविजुअल को वहाँ पर मार दिया जाता है. तो एंड उसके बाद लेट्स से कास्ट सिस्टम की बात करें, ये सब एग्जांपल हमने कोट करने पेपर में, तभी बता रहा हूँ आपको मैं. तो कास्ट सिस्टम बोलता है कि अच्छा कि इस कास्ट के लोग, ये वाले कास्ट के लोग ये काम करेंगे, ये लोग कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, वो कास्ट के लोग ऐसे होते हैं. तो कास्ट सिस्टम सोसाइटी आपको बता रही है ऐसा होता है. तो इंडिविजुअल अगर उसमें मानना शुरू कर दे, इंडिविजुअली बोले हाँ अच्छा ये अगर मैं मेरी कास्ट लेट्स से मेरी कास्ट अगर जो वैश्य कास्ट है तो मुझे ट्रेड ही करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या हो, आप ट्रेडिशनल सोसाइटी का पार्ट हो. ठीक है. जहाँ पे सोसाइटल कॉन्शियंस इज टेकिंग ओवर इंडिविजुअल कॉन्शियंस. ठीक है. मॉडर्न सोसाइटी में डर्कहाइम क्या बोलता है कि इंडिविजुअल कॉन्शियंस इज नॉट इक्वल टू सोसाइटल कॉन्शियंस, ये अलग अलग है. एंड यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कोट लिखते हैं वो, ही राइट्स इंडिविजुअल वाइल बिकमिंग ऑटोनमस, कि अब आज़ाद होता जा रहा है वो, सोसाइटी की बात से कोई खास निर्भर नहीं है. ठीक है. सोसाइटीज़ की बातों से, कॉन्शियंस से आज़ाद हो गया, ऑटोनमस हो गया, बट कम्स टू डिपेंड मोर हैविली ऑन सोसाइटी. क्यों? क्योंकि उसको अपनी अपना अगर स्पेशलाइजेशन अपनी डिवीजन ऑफ लेबर में जो जॉब मिली है उसे अगर पूरी करनी है तो बाकियों को पर निर्भर होना पड़ेगा. क्योंकि उसके बाकी काम जो होंगे ज़िंदगी में, लेट्स से खाना उगाने के लिए अब वो खेत में नहीं जाएगा ना, किसान पर निर्भर हो जाएगा. कपड़ा बनाने के लिए वो खुद टेलर नहीं बन जाएगा, टेलर पर निर्भर हो जाएगा. बिजली बनाने के लिए ऐसा नहीं होगा ना, खुद अपना पावर प्लांट लगाएगा घर पर, तो बिजली विभाग पर निर्भर हो गया. सरकार चलाने के लिए किसी और इंसान पर निर्भर हो गया, है ना. सब कुछ पर निर्भरता होती जा रही है, डिपेंडेंसी आती जा रही है. तो इसीलिए बोल रहा है इंडिविजुअल वाइल बिकमिंग ऑटोनमस कम्स टू डिपेंड मोर हेविली ऑन सोसाइटी. एंड ये कहाँ पे होगा? मॉडर्न सोसाइटीज़ में. क्योंकि इंडिविजुअल अलग होना चाहता है और इसको अलग होकर बाकी अगर सभी काम पूरे चाहिए अपने स्पेशलाइज काम, तो औरों पर डिपेंडेंसी आएगी ही आएगी. ठीक है. तो अब वो DOL सोशल फैक्ट कैसे बन जाता है? फिर आपको सवाल बहुत बार पूछते हैं ये कि DOL एज अ सोशल फैक्ट शॉर्ट नोट लिखो. तो आपको बताना है सोशल फैक्ट के जो फीचर्स आपको बताए थे मैंने, एक्सटर्नल होता है, कॉन्स्ट्रेंट, जनरलिटी एंड उसके बाद इंडिपेंडेंस एट्सेट्रा, अपने उन्हीं पे मानों पे दिखाना है. कि कोई भी चीज़ को आपको पूछें XYZ एज अ सोशल फैक्ट, आपने वो करेक्टरिस्टिक उठाने बताने शुरू कर देने. देखो ये सब करेक्टरिस्टिक दिखते हैं, एक्सटर्नल है, मैं मानूँ या ना मानूँ, हो रहा है ये, है ना. ओके. तो एग्जिस्ट एवरीवेयर,
जैसे फैमिली, रिलीजन, हर तरफ एग्जिस्ट करते हैं. सुई जेनरेस, ये डर्खाइम के कुछ खास वर्ड हैं, यहाँ पर डालने. सुई जेनरेस मतलब ऑटोमेटिकली खुद से ही, जेनरेस का वर्ड क्या होता है, मतलब इवॉल्व होना, खुद से पैदा होना. तो कह रहे कि जो DOL खुद से ही बन जाती है समाज में, आप कहीं भी जाते हो अपने आप ही देखते हो आप काम जो बढ़ जाता है कि थोड़ा काम आप कर लो. एंड विद टाइम सोसाइटी इवॉल्व भी होती रहती है. सोसाइटी जैसे बदलती है, पहले हमने देखा जो पहले वाली DOL कौन सी थी, मैकेनिकल DOL, उसके बाद बदल के कौन सी हो गई, ऑर्गेनिक हो गई. तो इवॉल्व हुई विद टाइम विद सोसाइटी, लेकिन DOL तो रही. एंड उसके बाद ये इंटीग्रेट भी करती है लोगों को जोड़ती भी है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है. आपको पता ही है कि इंटरडिपेंडेंस जब आएगी तो सोसाइटी इंटीग्रेटेड भी रहेगी. इसीलिए ये सोशल फैक्ट का एक और हमें यहाँ पे प्रूफ मिलता है. ठीक है, ओके, हमें सिर्फ वहाँ पे पॉइंट प्रूफ करने हैं. लेकिन डर्खाइम यहाँ ही नहीं रुकते. डर्खाइम एबनॉर्मल फॉर्म भी बताते हैं कि DOL गलत भी हो सकती है, DOL एबनॉर्मल भी हो सकती है ना. नॉर्मल तो कहते हो ही सकती है, लेकिन एबनॉर्मल मतलब कि सही नहीं दिख रही, DOL कुछ गलत हो गई. इसके तीन टाइप बताएंगे जो, और वो जानने के लिए जरूरी क्यों है कि एबनॉर्मल फॉर्म जाननी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको एबनॉर्मल पता होगी ना, तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे, तभी आप इंपॉर्टेंस समझ पाओगे नॉर्मल फॉर्म की, कि नॉर्मल DOL कितनी जरूरी है. ठीक है, ओके, पहले बोलते हैं एनॉमिक. एनॉमिक थोड़ा खास वर्ड है हमारे डर्खाइम जी का. एनॉमिक का मतलब है कि जनरली आप ऐसे याद कर सकते हो कि नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स को अगर मैं पालन ना करूं तो एनॉर्म्स हो जाएंगे. तो एनॉमिक का मतलब भी वर्ड इसी से निकला है कि जब आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, नॉमिक फॉलो नहीं करोगे तो एनॉमिक हो जाओगे आप. ठीक है, तो जैसे लेट्स से नॉर्म है कि एक, अब जो पुलिस अधिकारी है या फिर जो लेट्स से कोई ब्यूरोक्रेट है, उसको करप्ट नहीं होना, ये होना चाहिए आइडियली. जब लेट्स से ब्यूरोक्रेसी बनी होगी, किसी को जॉब दी होगी, आपका काम ये सब कुछ सब समथिंग, ठीक है, आप एग्रीकल्चर का काम देखोगे, इरीगेशन का काम देखोगे, आप देखोगे सड़कों का काम, तो काम बंटे, तभी एक काम करेगा दूसरे का, तभी चलेगा काम, है ना. एग्रीकल्चर में अगर इरीगेशन ही नहीं हो रही, सीड्स वाले डिपार्टमेंट का क्या फ़ायदा. तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन एक करप्ट हो गया, इसमें करप्ट हो गया, मैं तो काम नहीं करता, पैसे जब तक नहीं आएंगे, करप्ट हो गया, DOL खराब हो गई. तो इसीलिए पीपल नॉर्म, व्हेन दे डू नॉट फॉलो नॉर्म्स, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ करप्शन या फिर बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, तो वो एनॉमिक हो जाती है, DOL खराब हो जाती है आपकी. ठीक है, एंड देन इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन. मान लो कि कोई काम था, लेट्स से हम अपने स्लीपी क्लासेस में विटनेस करते हैं, आप यहाँ और बेटर समझ पाएंगे कि हमें अगर लेट्स से किसी भी क्लासेस में, कोचिंग सेंटर में लेट्स से चले गए आप, वहाँ पे पांच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, पांच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के पांच टीचर चाहिए आपको, पांच टीचर चाहिए, लेकिन आपने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम तीन से काम चला लेंगे, हम ये पांच बड़े बड़े सब्जेक्ट जो हैं हम ये तीन लोग ही पढ़ा देंगे, तो नहीं हो पा रहा ना, वो कभी ये छूट जाता है तो कभी ये छूट जाता है ना, यही चलता रहता है बस. तो इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको ऑर्गेनाइज नहीं करना आ रहा ठीक से, आपने इनएडिक्वेट प्लानिंग करी है. और इसको भी DOL एबनॉर्मल फॉर्म में मानता है डर्खाइम. तो ओवरबर्डन कर दिया खुद को, ठीक है, इससे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाते हैं कि वो बोलता है तुमने नहीं किया, अगर तुमने नहीं किया तो DOL में कह रहा है कि DOL में तकरार बढ़ जाएंगे, डिवीजन ऑफ लेबर में इट विल कॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. देन आता है फोर्स्ड DOL, जबरदस्ती कि तो फोर्स्ड DOL में क्या होता है कि किसी को जबरदस्ती काम सौंप दिया. जैसे इंडिया के कास्ट सिस्टम में, अगर जस्ट बिकॉज के लेट से आप कास्ट सिस्टम में पैदा हो गए, लेट से आप कास्ट सिस्टम में क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है, मान लो कि वैश्य कम्युनिटी का इंसान है, वो कह रहा है कि जनरली ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, वैश्य कम्युनिटी ट्रेडिंग कम्युनिटी, वो कह रहा है मुझे ट्रेडर नहीं बनना, मुझे लेट से बनना है एक वॉरियर. कह रहे नहीं आप बन ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, तो सिस्टम में अलाउड ही नहीं था पहले, तो इसलिए फोर्स कर दिया कि आप तो ट्रेडिंग ही करोगे, फोर्स DOL. करे वो जो ट्रेडर बन भी जाएगा तो वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करेगा, जनरली नॉर्म्स फॉलो नहीं करेगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट कॉज करेगा, कुछ भी हो सकता है. फोर्स DOL जनरली इज एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ DOL, आप याद रखना. जैसे कास्ट सिस्टम इंडिया का बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है. अब और डर्खाइम सिर्फ और सिर्फ ये आपको एबनॉर्मल फॉर्म बताकर नहीं छुट्टी करना चाहते. डर्खाइम कह रहे हैं कि वे हेड भी देखो कि एबनॉर्मलिटी से छुट्टी कैसे मिल सकती है, हमें एबनॉर्मलिटी से हमें कैसे निजात मिल सकती है. वो बोलते हैं कि कुछ नहीं करना, आपको एसोसिएशंस बनानी है. बहुत ही आसान तरीका बताते हैं. वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर आपने पॉलिटी के हमारे लेक्चर लगाए, पॉलिटी मतलब जो चैप्टर 7 था हमारा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, उसमें मैंने आपको बताया था डर्खाइम का. वो बोलते हैं कि एसोसिएशंस बनानी है आपने, एसोसिएशंस ही गाइड करेंगी कि कैसे इस बंदे को काम कैसे करना चाहिए. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमने टीचर्स की एसोसिएशन बना दी,
है ना, टीचर्स की एसोसिएशन बना दी, जो बताएगा कि एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए, ये 10 पॉइंट 5 पॉइंट उसमें होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर वो टीचर ये 5 पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा, तो उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा या उसको बोला जाएगा कि आप ठीक से काम करो। क्योंकि अगर आप अच्छा टीचर एक अच्छा काम नहीं करेगा, अगर टीचर ठीक से काम नहीं करेगा तो बच्चे ठीक से काम नहीं करेंगे एंड सोसाइटी ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। तो इसीलिए वो डर्खाइम यही सजेस्ट करता है कि हमें क्या करना होगा, बाय फॉर्मिंग व्हाट प्रोफेशनल एसोसिएशंस। कोई जो जो भी प्रोफेशन चल रहे हैं, जो भी स्पेशलाइजेशंस चल रही हैं, स्पेशलाइजेशन टूटती जा रही है, हमने देखा, उन सब की एसोसिएशंस बनानी बहुत ज़रूरी हैं जो कि एथिकल एंड मॉरल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगी ताकि DOL एबनॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, ये वाली बात थी हमारी। और ये बुक कौन सी में लिखते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मॉरल्स, मैंने आपको वहाँ भी बताया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक सुसाइड है। तो क्विकली यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा देना कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो DOL की हमने बात करी, DOL में वो एक सवाल प्रेजेंट करते हैं कि सोसाइटी हेट्रोजेनस है, कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंशिएटेड है मॉडर्न सोसाइटी, तब भी कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में तो लाइकनेस थी, नॉर्म्स वैल्यूज़ काफ़ी सेम थे, तो लोग जुड़े हुए थे, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी एग्जिस्ट करती थी। आजकल लोग क्यों जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा कि आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने से एक ही काम के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ा, स्पेशलाइजेशन आई, स्पेशलाइजेशन आई तो एक दूसरे पर क्या आई, डिपेंडेंसी आई, एक्टिविटीज़ टूटती गई, एक्टिविटीज़ टूटती गई। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आई, DOL बढ़ता गया। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में हमने देखा कि लोग जुड़े हुए क्योंकि लाइकनेस है, मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ, डिफरेंसेस हैं कि कोई काम किसी के लिए कर रहा है, कोई काम किसी के लिए कर रहा है, इंटरडिपेंडेंस है, इसीलिए ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी है। वो कहना कि लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियंस बहुत ही लो होती है कि एक कॉमन विचारधारा नहीं होती, कलेक्टिवली कोई नहीं सोचता, कॉन्शियंस जो है वो कलेक्टिव नहीं होती एंड इंडिविजुअलिटी हाई होती है, इसीलिए DOL इंटरडिपेंडेंस मेंटेन्ड रखती है। ठीक है, ये बात ओके, और सोसाइटी को बांध कर रखती है। देन आगे प्रिमिटिव सोसाइटी में बोलते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सोसाइटल कॉन्शियस में कोई फर्क नहीं है, तो लेकिन मॉडर्न में फर्क है, अलग ये सेम नहीं मानता है डर्खाइम। एंड डर्खाइम बोलता है कि इंडिविजुअल ऑटोनमस तो होता जा रहा है लेकिन सोसाइटी पे और हेविली डिपेंडेंट हो रहा है क्योंकि DOL हो रही है, क्योंकि वहां पर स्पेशलाइजेशन आ रही है। तो DOL को सोशल फैक्ट कैसे प्रूव करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करती है, सुई जेनरिस है एंड पीपल को इंटीग्रेट करती है। बाकी आपको मैंने बताया, आप वो प्रीवियस सोशल फैक्ट वाला ECGI फ्रेमवर्क कहाँ लगा सकते हो, एक्सटर्नल टू ह्यूमन बीइंग कॉन्स्ट्रेंट करती है कि अगर आपको काम समाज में, लेट्स से इफ यू आर फादर, तो आपको यू आर सपोज टू अर्न फॉर द फैमिली, है ना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो कॉन्स्ट्रेंट कर दिया, आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं करना काम, मेरी वाइफ को लेगी, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ओके, देन जनरलिटी एंड देन यहाँ पर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और उसके बाद एबनॉर्मल फॉर्म देखी हमने, जहाँ पर नॉर्मल फॉर्म को अप्रिशिएट करने के लिए वो कह रहे हैं एबनॉर्मल फॉर्म चाहिए, इनॉमिक होते, नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, इनएडिक्वेट, किसी को ओवरबर्डन कर दिया एंड फोर्स ड्यूएल, किसी का काम करने का मन नहीं था उसको तब भी वो काम करवाया, जैसे कास्ट सिस्टम, वे अहेड क्या बोलते हैं कि हमें एसोसिएशन बनानी चाहिए जो एथिकल एंड मॉरल कोड्स को इंप्लीमेंट करेंगी एंड कौन सी किताब में बोलते हैं वो, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मॉरल्स। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, इसका DOL का पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, मैकेनिकल वर्सेस ऑर्गेनिक, इस पर आप और नोट्स बना सकते हैं, इग्नू में गिवन है, इग्नू से देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सुसाइड, जो डर्खाइम का बहुत ही मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है, सुसाइड एंड रिलीजन दोनों ही है वैसे, लेकिन सुसाइड पर जनरली सवाल बनते हैं तो थोड़े से स्पेसिफिक बनते हैं, रिलीजन पर भी स्पेसिफिक बनाए जाएंगे सवाल, तो हम करेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।